Hi guys, I hope I'm visible and audible. Can you guys please quickly confirm this? एक बार कंफर्म कर सकते हो? So, we are going to be discussing a very important topic today and a very sensitive topic as well. यहाँ पर this issue has created a lot of controversy. तो सौरभ कृपाल is, मैं आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ. He is a senior advocate. ठीक है, सीनियर एडवोकेट है वो दिल्ली हाई कोर्ट में. ठीक है, ये सीनियर एडवोकेट थी दिल्ली हाई कोर्ट. तो दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है. तो कई बार क्या होता है कि आप जब मतलब बेसिकली बार काउंसिल ऑफ इंडिया होती है ना, जहां पर आप जहां सारे लॉयर्स रजिस्टर्ड होते हैं, है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया. तो कई बार जो एलिवेशन बोलते हैं इसको, ठीक है, कि बार से बेंच पे जो एलिवेशन होता है, तो उसका मतलब अभी आप लॉयर हो और लॉयर से आपको डायरेक्टली जज बना देंगे. तो ये कोई लोअर कोर्ट के जज वगैरह नहीं है. मतलब कई लोग तो क्या होते हैं कि पहले लोअर कोर्ट के जज बनते हैं, फिर उनका एलिवेशन होता है हाई कोर्ट पे, फिर कुछ लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं. बट कुछ कुछ ऐसे लॉयर्स होते हैं जिनका बार से, मतलब एज अ लॉयर उनको सीधे एलिवेट कर दिया जाता है. इसको एलिवेशन बोलते हैं कि एलिवेटेड टू दी बेंच. तो सौरभ कृपाल का करीब करीब 5 साल से चल रहा है ये. ठीक है, करीब करीब 5 साल से ये चल रहा है दैट उनका नाम रिकमेंड किया गया था फॉर जजशिप टू दी दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, उनका नाम ये रिकमेंड किया गया था कि उनको दिल्ली हाई कोर्ट में जज बनाना चाहिए. बट वो काफी टाइम से पास नहीं हो पाया, दैट वॉज नॉट पास फॉर क्वाइट सम टाइम. तो उसके क्या रीजन हैं, और अभी इसीलिए बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रोवर्सी हो गई है कि एज टू वॉट इज हैपनिंग हेयर और क्या रीजन है. तो सौरभ कृपाल इज एन ओपनली गे एडवोकेट. ठीक है, इज एन ओपनली गे पर्सन. तो जनरली जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, दे आर नॉट इन फेवर ऑफ मेकिंग हिम द जज, बिकॉज उनका ये मानना है दैट इट वुड लीड टू सर्टन बायसेस. मतलब बहुत ही अजीब बात है, आई डिड नॉट गेट द रैशनल बिहाइंड इट, बट उनका मानना है कि अगर उनको हम एलिवेट कर देंगे, सो दिस वुड लीड टू सर्टन बायसेस, बिकॉज ये काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं इन दी वो वाला जो प्रो होमोसेक्सुअलिटी वाला मूवमेंट होता है ना, जो LGBTQ वाला मूवमेंट होता है, उसमें काफी एक्टिव रहते हैं. तो गवर्नमेंट का मानना है कि दिस इज अ बायस दैट ही ऑलरेडी हैज इन हिज माइंड एंड दैट वुड काइंड ऑफ इनकी जो जजमेंट्स है उनमें दर्शा सकते हैं ये, राइट. तो यहां पर हम इसके मैं आपको एक बेसिक सा बैकग्राउंड दे रहा था. So we'll discuss this particular topic on these lines. In lines पर हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं बहुत फटाफट बता देता हूँ that we're going to be conducting an academy law admission test on 22nd of January at 11 AM. ठीक है, 11 AM पर 22nd January को ये करने वाले. Top 500 rankers को इसमें कुछ कुछ reward दिए जाएंगे. It's a free test. ठीक है, ये एक छोटा test होगा. It will only have 50 questions. तो आप लोग इसको दे सकते हो. ठीक है, it will barely take 1 hour. तो ये इसका scan code है. अगर scan कोड के बाद में कभी कभी ऐसे होते हैं कि वो एंट्री कोड मांगता है, तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी एंड यू कैन एंटर इनटू दिस टेस्ट फॉर फ्री. दिस इज अ फ्री टेस्ट व्हिच यू कैन टेक आराम से यहां पे. ठीक है, इस टेस्ट को आप आराम से दे सकते हो. उसके अलावा दीज आर सम ऑफ द टॉपर्स दैट वी हैड प्रोड्यूस दिस ईयर. तो वी हैव अ लॉट ऑफ NLU एडमिट्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर हु वर ईदर द प्लस और द आइकॉनिक सब्सक्राइबर ऑफ अनअकैडमी. यू गाइस कैन ऑल्सो गेट योर नेम्स रजिस्टर्ड इन दिस नेक्स्ट ईयर एंड आई वुड रियली लाइक टू इंटरव्यू यू एज वेल, है ना. तो हम लोग ये करने वाले. उसके अलावा वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर समबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर अ 3-year LLB प्रोग्राम. ठीक है, तो हम लोग 21st से, कल से ये बैच स्टार्ट करेंगे. 6 months का कोर्स है 3-year LLB के लिए, क्योंकि वो एग्जाम समवेयर अराउंड जून या मई में होता है. तो आप लोग इसके लिए 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और यू कैन यूज माई कोड केशव लाइव फॉर इट टू गेट अ 10% ऑफ ऑन योर सब्सक्रिप्शन. आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर इस पर 10% ऑफ मिल जाएगा. उसके अलावा अगर आप क्लैट 25 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब अगर आप अपना एग्जाम दिसंबर 24 में दोगे, ठीक है, दिसंबर 24 में अगर आप दोगे, तो उसके लिए जनवरी 13 से भी रिसेंटली एक बैच शुरू हुआ है. यू कैन ज्वाइन दिस बैच एज वेल. ठीक है, इस बैच को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. केशव लाइफ फिर से उसका कोड रहेगा फॉर 10% ऑफ ऑन दिस बैच एज वेल. एंड सक्सेस NLU एक और बैच है अगर आप 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब आप इसी साल में अपना एग्जाम दोगे. ठीक है, दिसंबर 23 में ही अपना एग्जाम दोगे अगर, राइट. तो अगर दिसंबर 24, 23 में अपना एग्जाम दोगे, तो वो एग्जाम आप दे सकते हो. आई एम टेकिंग करंट अफेयर्स इन दिस बैच.
मैं यहाँ पर हमेशा मंडे टू फ्राइडे 5 PM पर क्लासेस करता हूँ, ठीक है। आई डू क्लासेस फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 5 PM, तो यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दीज क्लासेस, ठीक है। आप लोग इन क्लासेस का पार्ट बनो जल्दी से जल्दी, आप कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख पाओगे, कुछ लाइव क्लासेस भी देख पाओगे। सेम कोड सेम रहेगा, केशव लाइव 10% ऑफ। आप मेरी मतलब इस वाली क्लास को एज अ सैम्पल क्लास मान सकते हो कि ये भला आपको समझ में आ रहा है क्या, है ना, व्हाट आई एम टीचिंग यू। सो ओनली इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू, यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन फर्स्ट सेटिस्फाई योरसेल्फ इन दिस क्लास कि आपको आ रहा है क्या। मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस दो सब्सक्रिप्शन होते हैं। आइकॉनिक में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस, क्लासेस के अलावा यू गेट एक्सेस टू ऑल दी यू कुड से एक यू कुड से फिजिकल नोट्स जिसको हम बोलते हैं, जो अनअकैडमी की बुक्स हैं। तो 14 बुक्स का सेट है, वो आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा एंड यू विल ऑल्सो गेट एक्सेस टू अ मेंटर जो आपको पर्सनली गाइड करता रहेगा। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट एक्सेस टू ऑल दी क्लासेस, प्लस में आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है। तो यू कैन डिसाइड योर सब्सक्रिप्शन एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो आप ले सकते हो, राइट। तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इटसेल्फ, बिकॉज जितना लेट करोगे उतना डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ इटसेल्फ, राइट। सो वेरी गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्विकली बिगिन विद दिस। तो पहले मैं आपको एक टसल बताता हूँ, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का रिसेंटली क्या चल रहा है। तो हमारे लॉ मिनिस्टर का नाम आई थिंक मोर और लेस सब जानते होंगे यहाँ पे। तो हु इज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हमारे लॉ मिनिस्टर है मिस्टर किरण रिजिजू। ठीक है, किरण रिजिजू इज आर लॉ मिनिस्टर, राइट। तो किरण रिजिजू रिसेंटली उनका ही मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि लॉ मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर स्टांस है कि जो जजेस होते हैं उनको लॉ मिनिस्ट्री या फिर बेसिकली गवर्नमेंट अपॉइंट करनी चाहिए, है ना। द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट दी जजेस, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। तो यहां पर अब प्रॉब्लम क्या है, द प्रॉब्लम हियर इज, द मेजर इशू हियर इज दैट जजेस आर नॉट अपॉइंटेड बाय दी गवर्नमेंट। जजेस को अपॉइंट करने एक अलग सा सिस्टम है जिसको हम कोलिजियम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इट इज कॉल्ड अ कोलिजियम सिस्टम। तो कोलिजियम सिस्टम में क्या होता है, व्हाट इज द कोलिजियम सिस्टम, मैं आपको आगे जाकर पूरा एक्सप्लेन करूंगा आज की क्लास में कि कोलिजियम सिस्टम क्या है। तो वी नो दैट देयर आर थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। एक लेजिस्लेचर है जो गवर्नमेंट बेसिकली जो लॉ बनाते हैं, दे मेक लॉ। देन देयर इज जुडिशरी व्हिच इंटरप्रेट्स लॉ। जुडिशरी क्या करती है, वो लॉ को इंटरप्रेट करती है। मतलब आज आप कभी भी देखोगे कोर्ट कोई एक्ट नहीं बनाता या कोई कोर्ट 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 नहीं बनाता, है ना, वो हमेशा सरकार बनाती है, वो लेजिस्लेचर से आता है। जुडिशरी ऑन द अदर एंड क्या करती है, वो ये देखती है कि भाई जो लॉ सरकार ने बनाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, राइट। और थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज द एग्जीक्यूटिव, उसका डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे बिकॉज वो हमारे लिए इतना रेलिवेंट नहीं है फिलहाल। तो ये तीन विंग्स हैं और तीनों के ना अपने इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। आज हमने कभी भी नहीं देखा कि सरकार का कोई डिसीजन आया है या सरकार ने लेजिस्लेचर ने कोई जजमेंट दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं होता, राइट। तो गवर्नमेंट इज नाउ आस्किंग कि जजेस के अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे। अब इसमें कोलिजियम का ये कहना है कि यार अगर सरकार जजेस के अपॉइंटमेंट करेगी तो उसमें भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स आ जाएगी, है ना। इट विल इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इफ द गवर्नमेंट यू कुड से अपॉइंट जजेस, तो फिर तो सरकार जो भी लॉ पास करेगी उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ही नहीं आएगा, है ना। तो दैट वुड बिकम रियली डिफिकल्ट, इससे तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो हम बोलते हैं वो खत्म ही हो जाएगा। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो लेट मी एक्सप्लेन यू एस टू व्हाट इज द कॉन्ट्रोवर्सी एंड व्हाट इज द इशू इन हैंड। सो जस्टिस यू कुड से इनको बनना चाहिए आगे, सौरभ कृपाल को। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम को अप्रैल 2021 में बोला था दैट गवर्नमेंट इज अपोज टू द एलिवेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल एज अ जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट सिंस कृपाल इज ओपनली गे एंड ऑल्सो पैशनेट अबाउट कॉज ऑफ गे राइट्स। उन्होंने बोलते सिंस ही इज ओपनली गे एंड इज ऑल्सो क्वाइट पैशनेट अबाउट यू कुड से गेटिंग एलजीबीटी कम्युनिटी देयर राइट्स। कोलिजियम में समझाऊंगा आपको आगे जाके। कोलिजियम तो मतलब अभी बस ये समझो कि जजेस को अपॉइंट करने के लिए जो बॉडी होती है उसको कोलिजियम बोलते हैं। कोलिजियम कैसे बना, क्या हुआ, ये मैं आपको इस सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। जो अगर लास्ट में डाउट रहेंगे तो आप एंड में पूछ भी सकते हो। तो यहां पर जस्टिस सॉरी सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल को जज बनाने की बात चल रही है पिछले 5 साल से, ठीक है। इट इज बीन हैपनिंग फॉर लास्ट 5 ईयर्स। अब आप बोलोगे कि यार ये अप्रैल 2021 में बोला था तो ये अभी क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए इस बात को। तो
तो व्हाई इज इट सो रेलेवेंट राइट नाउ? नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज, जो गवर्नमेंट का रीजन था ना, ये अभी तक पब्लिक नहीं हुआ था, ठीक है? दिस हैड नॉट बिकम पब्लिक सो फार। और पिछले 5 साल से बात चल रही है सौरभ कृपाल को जज बनाने के लिए। सो दिस कुड परहैप्स बी द फर्स्ट टाइम दैट गवर्नमेंट रीजन फॉर नॉट एलिवेटिंग कृपाल इज कमिंग आउट इन द पब्लिक ऑफिशियली, मोर देन 5 ईयर्स आफ्टर हिज नेम वर फर्स्ट रिकमेंडेड। जब उनका नाम रिकमेंड हुआ था उसके 5 साल बाद अभी तक भी उनको जज नहीं बनाया गया, लेकिन अब उसका ऑफिशियल रीजन सामने आया है एज टू व्हाई इज ही नॉट बीइंग मेड द जज, ठीक है? तो अब यहां पर क्या हो गया, सरकार विच इज द लेजिस्लेचर जो बोल रही है कि नहीं, इनको जज नहीं बनाना चाहिए, एक तरफ जुडिशरी है जो बोल रही है कि कोई इंसान गे है, लेस्बियन है, स्ट्रेट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉट मैटर्स इज कि भाई वो इंसान के पास मेरिट है क्या, इज दैट पर्सन क्वालिफाइड इनफ टू बिकम अ जज? अगर वो क्वालिफाइड है, विच सौरभ कृपाल इज, देन दैट इज अ गुड इनफ रीजन टू मेक समबडी अ जज, है ना? व्हाई वुड यू नॉट मेक समबडी अ जज बिकॉज ऑफ देयर ओरिएंटेशन? दैट डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। तो इट हैज बीन ऑलवेज बीन स्पेक्यूलेटेड दैट कृपाल सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज द रीजन व्हाई सेंटर इज ब्लॉक्ड हिज नेम सो फार, लेकिन अब वो मैटर ऑफिशियल हो गया है, राइट? और ये ना बहुत टाइम से चल रहा है, मतलब सौरभ कृपाल ने भी कई बार पब्लिक में आगे बोला है कि इस वजह से मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। तो विच इज यू कुड से एक तरह से कह सकते हो कि हमने एलजीबीटी को पूरे राइट दे रखे हैं इंडिया में, है ना? हमारा एक जजमेंट आया था 2017 में, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज सॉरी 2018 में, नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो उसने पूरे राइट दिए थे कि भाई एलजीबीटी कम्युनिटी के पास भी पूरे राइट्स हैं, है ना? जो पहले हम होमोसेक्सुअलिटी को इंडिया में क्रिमिनलाइज करते थे, उसको हमने डीक्रिमिनलाइज कर दिया था। इट इज नो मोर अ क्रिमिनल ऑफेंस और इट इज नो मोर एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, राइट? तो वी डिड ऑल ऑफ दैट। तो व्हाई आर वी डिस्क्रिमिनेटिंग अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज सेक्सुअल ओरिएंटेशन इन बिकॉज से बिकमिंग अ जज और एनीबडी फॉर दैट मैटर? हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? तो एज पर द कोलिजियम स्टेटमेंट, लॉ मिनिस्टर बाय अ लेटर डेटेड अप्रैल 1, 2021 stated that homosexuality stands decriminalized in India. Nonetheless, same-sex marriage still remains at the merit of recognition either in the codified statutory law or uncodified. तो आप लोग ना मेरी 9:15 की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो जो मैं रोज करता हूँ। उन 9:15 वाली क्लासेस में मैंने 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था अबाउट सेम सेक्स मैरिज, कि भाई कैन अ मैन गेट मैरिड टू अ मैन, कैन अ वुमन गेट मैरिड टू अ वुमन, है ना? तो जनरली क्या होता है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है, इट इज बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन, राइट? तो इंडिया में बहुत टाइम तक ये रिकॉग्नाइज नहीं था। अभी भी अगर आप देखोगे तो मना नहीं करते, ऐसा नहीं है कि कोई क्रिमिनल लॉ, कोई क्राइम है ये, बट उसको एक तरह से आपने लीगल रिकॉग्निशन भी नहीं दे रखा है, आपने उसको क्लियरली बोल नहीं रखा है कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है ना? इसका क्या मतलब है कि जैसे आज मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिया में हिंदू मैरिज एक्ट है ना, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट इन इंडिया, तो हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ लिखा है कि भाई एक हिंदू मैन और एक हिंदू वुमेन अगर शादी करेंगे तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं, राइट? वो साफ साफ लिखा हुआ है। तो व्हाई इज इट नॉट रिटन एनीवेयर दैट अ हिंदू मैन और अ हिंदू वुमेन, सॉरी हिंदू मैन टू हिंदू मैन, इफ दे वांट टू गेट मैरिड दे कैन ऑल्सो डू इट अंडर हिंदू मैरिज एक्ट और अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, वो भी दे ही नहीं रखा। तो वी आर डिस्क्रिमिनेटिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन। एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कृपाल के पार्टनर हैं, कि जो कृपाल के पार्टनर है, दैट पर्सन बिलोंग्स टू स्विट्जरलैंड, तो वो इंडियन सिटीजन नहीं है, दैट पर्सन इज अ स्विस नेशनल। नाउ इस बेसिस पे भी किसी को डिस्क्रिमिनेट करने का कोई सेंस समझ नहीं आता है हमें, है ना? इट मेक्स नो सेंस टू डिस्क्रिमिनेट समबडी ऑन दिस बेसिस एज वेल। तो इन पर इनफैक्ट इंक्वायरी हुई भी है कि मतलब इनके कोई ऐसे लिंक्स तो नहीं है गलत, और रॉ ने इंक्वायरी की थी जो इंडिया का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, एंड दे केम अप विद नथिंग। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, विद दिस पर्सन। तो ये तो जो कुछ से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर आप बिल्कुल क्लीन पर्सन है, द अदर पर्सन इज क्लियरली एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड इनफ टू बिकम द यू कुड से बिकम अ जज इन द हाई कोर्ट, जस्ट बिकॉज उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ है, वी आर आस्किंग कि नहीं उसने उनको नहीं बनाना चाहिए, तो थोड़ी अजीब बात है। दिस इज क्वाइट यू कुड से डिफिकल्ट टू बिलीव एंड अंडरस्टैंड इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसको हम एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। ओके, तो यहां पर मैं आपको कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताता हूं कि ये हुआ कैसे था। तो ये पहला केस का 1981 का है, तो इसके पहले का सिनेरियो ये है कि इंडिया में 1975 से लेके
1977 में एक तरह से इसको डार्क एरा फॉर इंडियन डेमोक्रेसी बोला जाता है, जब इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी गवर्नमेंट ने, है ना। इट्स अ डार्क एरा फॉर दी इंडियन गवर्नमेंट, जहां पर एक नेशनल इमरजेंसी लगा दी थी 1975 to 77 में। नाउ व्हाट इट हैपेंड एट दिस टाइम इज गवर्नमेंट ने काफी सारे लोगों के फंडामेंटल राइट्स उस टाइम अपने अंडर ले लिए थे, है ना, उनको इंश्योर नहीं किए जा रहे थे। तो देर वर सर्टेन जजेस हु पास्ड सर्टेन जजमेंट्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसे एक बहुत फेमस थे जस्टिस एचआर खन्ना, ठीक है, जस्टिस एचआर खन्ना ने एक जजमेंट दिया था, इसको एडीएम जबलपुर जजमेंट बोलते हैं। तो जस्टिस एचआर खन्ना, क्योंकि उन्होंने सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दिया था, वो एक साल बाद ही वॉज टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, उनको सीजेआई बनना चाहिए था उसके एक साल बाद, बट सरकार ने इनको चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया था, है ना। द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ हिम टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसीजन दे दिए थे, एंड देर वॉज अ क्लियर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इन द काइंड ऑफ यू कुड से प्रोसीजर दैट एक्चुअली एलिवेटेड पीपल टू द सुप्रीम कोर्ट, और यू कुड से फॉर द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस। इट वॉज द गवर्नमेंट दैट यूज टू डिसाइड। तो ये तो गलत हो गया। नाउ द मैटर्स एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन ट्वाइस और थ्राइस, है ना, ये 2-3 बार हुआ। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का एक केस आया था जिसको फर्स्ट जजेस केस बोला जाता है आसान भाषा में। तो उन्होंने बोला था कि प्रेमेसी ऑफ सीजेआई, विच इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर कैन बी रिफ्यूज फॉर कोजेंट रीजंस। अब इसका क्या मतलब है कि भाई अगर सरकार का मन हुआ, अगर गवर्नमेंट का मन हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रिकमेंडेशन है कि अगला चीफ जस्टिस कौन बनना चाहिए, अभी आपने देखा होगा दैट व्हेन वी हैड अ रीसेंट चीफ जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जब वो बने थे तो उनको रिकमेंड किया गया था बाय जस्टिस यू यू ललित, जो इनसे पहले थे। तो अभी का तो प्रोसीजर यही है, राइट। उस टाइम पर फर्स्ट जजेस केस में 1981 में बोला गया दैट गवर्नमेंट के रीजन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रीजन से ऊपर रखा जा सकता है अगर गवर्नमेंट के पास कोजेंट रीजन है। अब कोजेंट रीजन तो कुछ भी हो सकता है, कोजेंट रीजन क्या है? कोजेंट मतलब होता है कि अगर आप रीजनेबल बात कर रहे हो तो सरकार तो अभी जस्टिस एडवोकेट कृपाल के केस में भी बोल सकती है कि ये जेन्युइन बात है। तो कोजेंट रीजन तो कोई चीज अगर मेरे लिए सही है तो हो सकता है वो आपके लिए गलत हो, लेकिन अगर मैं डिसीजन ले रहा हूं तो वो डिसीजन फाइनल होगा कि मेरे लिए रीजनेबल है। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ डिसीजन लेने का, राइट। तो इसीलिए हमेशा फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स फ्रॉम 1981 टिल 1992-93 सरकार का काफी इन्वॉल्वमेंट रहा। गवर्नमेंट हैड अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन हाउ द जजेस वुड बी अपॉइंटेड, हु वुड बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें गवर्नमेंट ने काफी अपने आप का एक तरह से कह सकते हो कि इंट्रूड किया इन पर्टिकुलर डिसीजंस में, राइट। तो फिर सेकंड जजेस केस आया 1993 में, फर्स्ट जजेस में तो ये हो गया। इस पर्टिकुलर यू कुड से जज सॉरी डिसीजन ने पहली बार कोलिजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सेकेंड जजेस केस में तो कोलिजियम सिस्टम केम फ्रॉम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। कोजेंट का मतलब होता है कोई भी रीजनेबल, अगर आप आपका रीजन होगा तो मान लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस द कोलिजियम सिस्टम, और उन्होंने बोला था कि भाई कंसल्टेशन का मतलब होता है कॉन्करेंस। तो उन्होंने बेसिकली बोला कि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस हैं, जो रिटायर होने वाले हैं, जिनकी जगह नए चीफ जस्टिस बनेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस वो डिसाइड करेंगे कि भाई कौन इसमें यू कुड से आगे जाकर चीफ जस्टिस बनेगा, या फिर कौन से जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होंगे, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अब रिटायर होने वाले हैं और नए बनने बनेंगे अब, एंड दी सेकेंड सॉरी 2 सीनियर मोस्ट जजेस, तो मतलब टोटल 3 लोग, 3 लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस, ठीक है, फेयर इनफ। उसके बाद में आया एक थर्ड जजेस केस 1998 में। तो 1998 में क्या चेंज हुआ, ये जो 3 पर्सन बॉडी थी ना, इसको 5 पर्सन बॉडी कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई जो बाहर जा रहे हैं वो प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस, सो हु वुड डिसाइड दैट कौन एलिवेट होगा सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ वुड डिसाइड बेसिकली, राइट।
एक तो चीफ जस्टिस है जो बाहर जा रहे हैं वो, और फिर जो चार सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो, ओनली दीज पीपल वुड डिसाइड एज टू हु वुड बिकम द चीफ जस्टिस और हु वुड बिकम द हु वुड बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, कौन कहां से एलिवेट होके आएगा, ये लोग ही डिसाइड करेंगे, राइट? सरकार का इन्वॉल्वमेंट बेयर मिनिमम कर दिया, सरकार को एक तरह से डिसीजन मेकिंग से यहां पे बाहर कर दिया कि भाई यू आर नॉट गोइंग टू बी डिसाइडिंग एज टू हु विल बिकम अ जज इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट और एनीवेयर, सरकार ही डिसाइड करेगी अभी, दिस इज व्हाट वाज हेल्ड हियर, ये बात यहां पर क्लियरली हो गई। देन इसके बाद में क्या हुआ, अब मैं आपको कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम सिस्टम है वो अभी भी 1998 वाले केस के हिसाब से ही चलता है कि इट विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस एंड विल कंप्राइज ऑफ द फोर अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट, ठीक है? तो क्या है ये, सीजेआई प्लस फोर जजेस, तो टोटल पांच जजेस, ठीक है? तो यहां पर क्या होता है, मैं आपको सिस्टम बताता हूं। मान लो कोलिजियम ने डिसाइड किया कि भाई ये जज बनने चाहिए, कोलिजियम ने डिसाइड किया कि दीज पीपल शुड बिकम दी जज, ठीक है? आगे जाकर, आगे निकलकर ये वाले जो कोलिजियम जो रिकमेंड करता है ना, वो फिर लॉ मिनिस्ट्री के पास जाता है, दैट गोज टू द लॉ मिनिस्ट्री, वो नाम रिकमेंड करके, और फिर लॉ मिनिस्ट्री उस पर अपनी फाइनल स्टैम्प लगाती है, तो वो बनता है। अब ये रिसेंट ट्रेंड देखा गया है कि कोलिजियम जिनके नाम लॉ मिनिस्ट्री को बताता है ना, लॉ मिनिस्ट्री को रिकमेंड करता है, लॉ मिनिस्ट्री उसको आगे नहीं करती, कई बार उस पर स्टैंप नहीं लगाती फाइनल, और जब तक लॉ मिनिस्ट्री का स्टैंप नहीं लगेगा तब तक उसको ऑफिशियली नहीं कर सकते आप। मतलब डिसीजन पावर तो कोलिजियम के हाथ में ही है, लेकिन जो ऑफिशियल पावर है उसको ऑफिशियल करने की, वो तो सरकार के हाथ में है ना, बिकॉज ये बिल्कुल ही ऑफिशियल सरकारी चीज है, तो दैट विल गो टू द गवर्नमेंट। सो इट हैज बीन सीन सो मेनी टाइम्स इवन इन रीसेंट पास्ट, पिछले 6-8 महीने में भी, दैट द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग अहेड विद दिस, अ लॉट ऑफ जजेस उनके नाम रोक दिए गए हैं। कई बार ये देखा गया है कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि, मतलब बोल नहीं रही है, मतलब गवर्नमेंट ये सोच कर नहीं कर रही है आर थॉट्स, तो जो गवर्नमेंट की जो चेन ऑफ थॉट्स है ना उससे अलाइन नहीं कर रही है, ठीक है? दे आर नॉट अलाइनिंग विद देम, तो ये तो काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हो कि बायस आ गया है ना, बायस वाला सिस्टम हो गया यहां पे, विच इज आई वुड से नॉट रिकमेंडेड हियर, जो कि एक तरह से रिकमेंडेड नहीं है इस सिस्टम में, राइट? तो मैं आपको बताता हूं अपॉइंटमेंट सिस्टम क्या होता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सीजेआई और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस सीजेआई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, मतलब वो एक ओथ होती है ना, एक वो ओथ होती है जो हम लेते हैं कि भाई एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आई विल फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ऑल ऑफ दैट, तो वो प्रेसिडेंट दिलवाते हैं, राइट? एंड एज पर यदि सीजेआई इज कंसर्न कि कौन सीजेआई बनेगा, तो जो आउटगोइंग सीजेआई होता है, जो रिटायर होने वाला होता है, वो अपने सक्सेसर को, अगले सीजेआई को रिकमेंड करके जाता है, दिस पर्सन रिकमेंड दिस सक्सेसर, वो डिसाइड करते हैं कि भाई हु इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट सीजेआई, राइट? और हमेशा से देखा गया है, जब से वो सेकंड जजेस केस आया 1998 पर्टिकुलरली से, कि जो अगला सीनियर मोस्ट जज होता है ना, अगला जो सीनियर मोस्ट जज होता है, दैट पर्सन बिकम्स दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी भी अगर आप देखोगे तो जस्टिस यूयू ललित के बाद में सीनियर मोस्ट जस्टिस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, तो ही बिकेम दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, राइट? ये क्लियर है सबको? और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में सीनियर सीनियोरिटी एज के हिसाब से नहीं होती, उसमें आपका टर्म ऑफ सर्विस के हिसाब से होती है, कि मान लो आपने सुप्रीम कोर्ट में कितना सर्व किया है, अगर किसी ने 4 साल सर्व किया है और वो 64 ईयर्स का है, और किसी ने 5 साल सर्व किया है और वो 62 ईयर्स का है, सो दिस पर्सन विल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है? इस बेसिस पे सीनियोरिटी डिसाइड की जाती है कि किसने ज्यादा सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है। सो दैट इज हाउ अ सीजेआई इज, यू कुड से, अपॉइंटेड। सीजेआई को इस तरह से अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस है ना, उनका प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टार्ट करते हैं उस प्रोसेस को, ठीक है? और वो कंसल्ट करते हैं बाकी अपने कोलिजियम के मेंबर्स से, जो बाकी मतलब जो 4 मेंबर्स है ना उनके अलावा, उनसे वो कंसल्ट करते हैं, राइट? तो सारे लोग सीजेआई,
प्लस 4 लोग अपने जो रीजंस है उसको राइटिंग में लिखते हैं, अपनी ओपिनियन को दे राइट इट एंड दे सेंड इट टू दी लॉ मिनिस्ट्री, वो लॉ मिनिस्टर को भेजते हैं, ठीक है। और फिर लॉ मिनिस्टर उसको फाइनली प्राइम मिनिस्टर को भेजता है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को भेजते हैं कि आपको इनकी ओथ दिलवानी है। तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, मतलब सरकारी प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है, राइट। सीजेआई एंड दी फोर सीनियर मोस्ट जजेस, विच इज बेसिकली द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम, ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग अपने रीजन राइटिंग में लिखते हैं, देन दे सेंड इट टू द लॉ मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री फॉरवर्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर देन फाइनली फॉरवर्ड टू द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर दिस प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो दैट इज हाउ द एंटायर सिस्टम वर्क्स, इस तरह से सिस्टम काम करता है। नाउ व्हाट अबाउट द हाई कोर्ट के जजेस, तो हाई कोर्ट में भी इसी तरह से एक कोलिजियम होता है, लेकिन हाई कोर्ट के कोलिजियम में सीजेआई, मतलब सीजेआई नहीं, हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के कोलिजियम में 4 नहीं होते, 2 होते हैं, राइट। लेकिन क्योंकि वो हाई कोर्ट है ना, तो वहां पर सीजेआई हमेशा उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के सीजे चीफ जस्टिस से कंसल्ट करते हैं, है ना। दे ऑलवेज डिस्कस विद द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट दैट हु शुड बिकम द नेक्स्ट पर्सन हु इज द सीनियर मोस्ट, तो वो डिस्कस किया जाता है, ओके। तो उसका भी मोर और लेस सेम प्रोसीजर ही है। तो आप देख रहे हो ना, यहां पर लॉ मिनिस्ट्री का भी रोल है, क्योंकि वो जो रिकमेंडेशंस है फ्रॉम द कोलिजियम दैट गोज टू द लॉ मिनिस्ट्री, एंड देन लॉ मिनिस्ट्री हैज द फाइनल से एज टू व्हाट टू डू अबाउट इट, मतलब शुड वी गो अहेड विद इट, शुड वी नॉट गो अहेड विद इट, क्या करना चाहिए हमें। तो आप अगर देखो तो यहां पर लॉ मिनिस्ट्री अपनी मर्जी से किसी को रिकमेंड नहीं कर सकती, वो अपनी मर्जी से जजेस बना नहीं सकती, लेकिन वो किसी को जज बनने से रोक जरूर सकती है, दे कैन ऑलवेज स्टॉप सर्टेन पीपल फ्रॉम बिकमिंग द जज, है ना। दैट दैट यू कुड से इज अ मेजर इशू दैट इज बीन, यू कुड से, यू आप इस तरह से कह दो कि यहां पर हो रहा है, एक बहुत बड़ा इशू है ये, राइट। हाउ टू डिफाइन, डिफाइन तो क्या, वो इंसान खुद बता देता है, सौरभ कृपाल ने खुद ने ओपनली बता रखा है दैट ही इज गे, ही इज इंटरेस्टेड इन मेन, है ना। देर इज नो डेफिनेशन, मतलब देर इज नो वे ऑफ, देर इज नो मेडिकल प्रोसीजर दैट ही और शी हैज टू गो, अगर आप गे हो या फिर आप लेस्बियन हो, यू डोंट हैव टू गो अंडर गो अ मेडिकल प्रोसीजर फॉर दैट, इट्स अ सेक्सुअल ओरिएंटेशन। जैसे नॉर्मली होता है ना कि ज्यादातर लोग स्ट्रेट होते हैं, तो स्ट्रेट होने का क्या मतलब होता है, दैट यू आर अट्रैक्टेड टू द ऑपोजिट जेंडर, है ना, मेल टुवर्ड्स फीमेल्स, फीमेल्स टुवर्ड्स मेल्स। तो गे और लेस्बियन जो होते हैं वो, 79th अमेंडमेंट एक्ट 2014 विच ब्रॉट समथिंग कॉल्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लेकर आया वो, ठीक है, नेशनल जुडिशियल एनजेएसी बोलते हैं इसको, राइट। एनजेएसी ने क्या डिसाइड किया कि भाई गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन जज रहेगा, सो दे ब्रॉट दिस अमेंडमेंट कि भाई गवर्नमेंट विल डिसाइड एज टू हु इज गोइंग टू बी द जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने अगले साल उसको स्टक डाउन कर दिया, अगले साल वो जो भी उन्होंने अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए थे उसको कैंसिल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल दैट, सुप्रीम कोर्ट सेड नथिंग डूइंग, वी आर नॉट गोइंग टू बी यू कुड से इन्वॉल्विंग एनी पॉलिटिक्स हियर, ऑल्दो मतलब आप कह सकते हो कोलिजियम में भी कम पॉलिटिक्स नहीं है, बट ये तो क्लियरली मतलब दो विंग्स अलग अलग है ना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, लैग हो रहा है, एक सेकंड में चेक करता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। अभी भी हो रहा है क्या?
आई थिंक इट्स बेटर नाउ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो मैं ये वैसे भी लास्ट पॉइंट ही है, ठीक है, दिस इज एनीवे दी लास्ट पॉइंट, कि इसको काफी क्रिटिसिज्म हुआ था इसका, और इसको फिर बाद में स्ट्रक डाउन कर दिया गया था। तो फिर तब से लेके अभी तक भी इट्स ओनली दी यू कुड से जुडिशरी हु डिसाइड्स कि कौन जजेस आगे बनेंगे एंड नॉट दी लेजिस्लेचर। तो ये पूरा यू कुड से टॉपिक है जो सौरभ कृपाल वाले इशू में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड, है ना, सौरभ कृपाल वाले इशू में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट समझना कि कोलिजियम डिसाइड नॉट द गवर्नमेंट। ओके, इतना ही है, मतलब इसके आगे नहीं है, दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से एनीवे, सो दैट इज इट। आप लोगों को समझ में आ गया होगा होपफुली पूरा कोलिजियम सिस्टम और पूरी इसकी जर्नी, राइट, एंड दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो स्टार्ट कमिंग टू अदर क्लासेस ऑल्सो, मैं 9:15 पर भी क्लास करूंगा, उस पर यू आर मोस्ट वेलकम, 9:15 PM पर आप आ सकते हो, ठीक है, उसके बाद मेरी 5 PM क्लासेस में भी आ जाओ। आप केशव लाइव कोड यूज कर सकते हो, जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल योर सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस गाइस, थैंक यू, बाय।